अमेर फोर्ट, यहाँ पे नाइट में शो होता है, काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे लाइटिंग्स पूरी फोर्ट पे जलाई जाती है, तो अभी ये लाइट शो 7:30 to 8:30 चलती है शाम को, इवनिंग में। जिस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र अपनी वसीयत में किया था, बादशाह अकबर ने उसे बखूबी अंजाम दिया। कछवाहा हुक्मरानों और मुगलों का यह पहला समझौता था जो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उसी रिश्ते से वो राजपूत मुगल पैदा हुआ जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का वली अहद बना और इतिहास में जहांगीर कहलाया। अकबर के महलों में ईद के अलावा जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा और होली के त्योहार भी मनाए गए। Yeah.
दौर में धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ। अकबर सांगानेर से जाते हुए राजा भानमल के पोते मानसिंह को साथ ले गए। राजा मानसिंह अकबर के नौ रत्नों में से एक थे और उनके सबसे बड़े सेनापति। संस्कृत, फारसी, राजस्थानी और हिंदी के विद्वान। 1599 में जब आमेर महल बना तो अकबर के दरबार की तरह आमेर भी विद्वानों, कवियों और दानिशों से भर गया।